दोस्तों आप सबका स्वागत है टाइटल क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानेंगे 25 की ट्रांसफार्मर को कैसे रिपेयर करते हैं, उसमें क्या क्या अंदर में प्रॉब्लम आती है तथा अंदर में क्या क्या होता है। तो दोस्तों देखिए अभी भैया लोग ट्रांसफार्मर को खोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इसका नेम प्लेट भी दिखा देता हूँ, देखिए ट्रांसफार्मर का 25 केवी का DTR है ये, ठीक है। इसमें डायग्राम बना हुआ है डेल्टा टू स्टार, ठीक है। इसमें ये देखिए ये अपनी इसको HT बुशिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और इधर देखिए मैं आपको LT बुशिंग दिखा रहा हूँ, RYB एंड न्यूट्रल, ये साइड न्यूट्रल होता है, ठीक है दोस्तों। ये न्यूट्रल है और ये RYB। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ब्रीदर है, जो आपको पता ही है सभी को इसमें सिलिका जेल भरा होता है। और क्यों भरा होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो अंदर की नमी होती है वो इसको सोख लेता है, ठीक है। और इससे कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, ठीक है, इसको कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं दोस्तों। और ये इसका मेन टैंक है, ठीक है। इसमें अभी आपको ऑयल दिखेगा, अंदर की वाइंडिंग्स दिखाई जाएगी आपको, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। दोस्तों देखो इसको ओपन कर रहे हैं, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं ऑयल भरा हुआ है पूरा। तो देखिए आगे इसमें आपको कोर दिख रही है, वाइंडिंग्स दिख रही है, अभी इसको जॉब के ऊपर उठाएंगे हम लोग। तो दोस्तों यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जिसमें क्या होता है 11 केवी तरफ में डेल्टा होता है तथा इधर में स्टार कनेक्शन होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बाल्टी ऑयल निकाल लिया हमने, तो दोस्तों इसको अभी हम जॉब को ऊपर उठाएंगे, इसीलिए इसे चेन ब्लॉक के नीचे लाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी हम इस कॉइल को भी ऊपर उठाएंगे, जो अपनी कोर होती है जो CRG हो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको जो ऊपर में कॉइल से दिख रही है HT कॉइल है, हाई टेंशन तथा इसके अंदर में दोस्तों जो कॉइल होती है उसको LV कॉइल बोलते हैं, जैसे कि ये LV कॉइल, ये देखिए दिख रही है LV कॉइल का कनेक्शन आया हुआ है। और दोस्तों ये क्या स्टार में बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। RYB एंड ये न्यूट्रल है जिसको कॉमन किया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों। और ये ऊपर की कौन सी वाइंडिंग है, HV वाइंडिंग है जिसको हाई टेंशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये हाई टेंशन डेल्टा में होता है, डेल्टा कनेक्शन भी आपको इधर में दिख पा रहा होगा। तो अभी इसको हम चेक करेंगे चालू है या बंद है ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, 11 KV साइड में 3 फेस RYB 3 फेस को लगाया जाता है तथा उसके पश्चात हमें LT में फेस टू अर्थ तथा फेस टू न्यूट्रल को चेक करना होता है। तो दोस्तों अभी देखेंगे हम इसे कैसे चेक करते हैं, तो देखिए तो इसमें दोस्तों 3 फेस की सप्लाई लगाई जा रही है LT RYB। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए सावधानी बहुत ही ज़रूरी रखी जाती है, क्योंकि इसमें 3 फेस सप्लाई होती है,
रहता है इसमें दोस्तों, इसमें भी हैंड ग्लव्स भी पहना जाएगा। तो दोस्तों भैया ने यहाँ पे देखो थ्री फेस सप्लाई लगा चुके हैं, RYB जो LT सप्लाई है अपनी 11 KV तरफ में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको अभी 11 KV में क्या है LT सप्लाई को लगा दिया, अभी हम इसको LT को चेक करेंगे सही आ रही है गलत आ रही है। ठीक है दोस्तों, बंद है या ट्रांसफार्मर चालू है या बंद है। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों भैया अभी इसको चेक करेंगे ट्रांसफार्मर को चालू है या बंद है। देखिए इसे फेस टू फेस, फेस टू न्यूट्रल तथा फेस टू अर्थ। ये पहला फेस टू न्यूट्रल, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस दोस्तों। तो दोस्तों इससे मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर चालू है। ठीक है, ये फेस टू फेस, फेस टू अर्थ। अरे मेरे सन पे उनकी भी साइड में LT सप्लाई दी थी थ्री फेस तथा LT को हमने दोस्तों फेस टू फेस तथा फेस टू न्यूट्रल चेक किया। दोस्तों आपने देखा कि अभी इसमें तीनों फेस दिखा दिया, इसका मतलब ये फेस अभी चालू है, मतलब ये ट्रांसफार्मर हमारा चालू है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम LV से भी चेक करेंगे, बैक चार्जेस को बोलते हैं हम। लो टेंशन में भी दोस्तों थ्री फेस सप्लाई लगाएंगे तथा न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल को लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इनका जो तार लगाते हैं मतलब थ्री फेस, इसमें भी क्या होता है क्रम होता है जिसे RY भी बोलते हैं, रेड येलो एंड ब्लू। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब ये देखिए न्यूट्रल को लगाया जा रहा है। इसे दोस्तों बहुत ही सावधानी पूर्वक चेक किया जाता है। तो दोस्तों जब ये चेकिंग होता है, जब लाइट चालू की जाती है सप्लाई, तो ट्रांसफार्मर से काफ़ी थोड़ा दूरी बना के रखें क्योंकि इसमें कुछ भी होने का डर रहता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, वो पहले एक बार क्या होता है चालू करके तुरंत बंद करना पड़ता है, देखा जाता है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद चालू किया जाता है। फिर इसके जो हमिंग होती है उसको सुना जाता है दोस्तों, जैसे कि आप नॉर्मल है, इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर राइट है। ठीक है दोस्तों, ले डालो ओके, यानी तो ये ट्रांसफार्मर चालू है मतलब। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा, इसे HV वाइंडिंग्स बोलते हैं तथा इसके अंदर में दोस्तों LV कॉइल मतलब वाइंडिंग्स होती है तथा इसके अंदर में ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। ठीक है, देखिए ये अपनी LT की बुशिंग है और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये अपनी 11 KV की बुशिंग है। और दोस्तों इधर में देखिए ये थ्री फेस अपना क्या है HV कॉइल मतलब कि HV की बुशिंग से रॉड जो होती है वो लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों देखिए ये सर ने लाया है ये LV की वाइंडिंग्स। देखो LV में क्या होता है दोस्तों, ये मोटी होती है मतलब अंदर से, इसको बोलते हैं LV लो टेंशन कॉइल्स होती है। और ये ऊपर में आप देख पा रहे हैं ये क्या है HV की कॉइल्स यानी वाइंडिंग्स लगी हुई है। 11000 वोल्ट इसमें दिया जाता है तथा इसके में दोस्तों 440 अपने आउटपुट में निकलता है। ये है LV की कॉइल, 440 इसमें निकलता है दोस्तों। यानी जो इस पर आप जैसे कि देख पा रहे होगी ये जो कॉइल्स लगी हुई है ये वही वाइंडिंग है जो मैं आपको अभी दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसे अब हम फिट कर रहे हैं अंदर में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो चैन ब्लॉक है उसके थ्रू इसको क्या कर रहे हैं हम अंदर में जो जॉब है उसको टंकी अंदर जो अपना टैंक होता है मेन टैंक उसके अंदर में डाल दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो में आपको जो हमने वाइंडिंग दिखाया LV वाइंडिंग HV वाइंडिंग तथा कनेक्शन जो दिखाया दोस्तों आपको ये आज समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों इसको अभी हम नीचे उतार रहे हैं, ये जॉब अंदर जा सकता है।
दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।